इसलिए गाइस मैं इस वक्त जुगी अकेला निकल रहा हूँ। गाइस अनफॉर्चुनेटली मेरा जो कॉर्नर ब्रो है, आप सभी जानते हो है कि नहीं गाइस, कॉर्नर ब्रो का गाड़ी एक्सीडेंट हो गया ब्रो। क्या सुबह में हो गया दोस्त? अभी थोड़ा पहले ना। अच्छा ना, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ठोक दो यार गाइस। एंड डॉक्टर का कहना है कि मेरा हार्ट जो ब्लैक है, बोल के बोला है जब आप शादी करेगा तो आपका हार्ट लाल होना शुरू हो जाएगा। बड़े दुख के साथ सभी का सामने कहना पड़ रहा है कि रिपोर्ट कुछ इस तरह निकला हुआ है कि हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह का 5 बज चुका है इस वक्त और आप सभी के सामने मैं बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ेगा कि मैं इस वक्त तिनसुकिया की ओर निकल रहा हूँ मेडिकल पर्पज के लिए, क्योंकि क्या बोलेगा इस बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वक्त मैं तिनसुकिया की ओर निकल रहा हूँ। आप सभी जानते ही है कि नहीं गाइस, मैंने बहुत बार मैंने तेजू पे ECG कराया है, एक्सरे कराया है, चेकअप कराया है, लेकिन कुछ भी रिपोर्ट नहीं निकला है। तो सोचा है कि ऐसे ही मतलब बेहतर रहने से फिर मेरा हेल्थ के लिए आने वाला कल बहुत ही तकलीफ होगा बोल के मैंने इस वक्त तिनसुकिया रवाना होने के लिए सोचा है। तो सुबह का अभी 5 बज चुका है तो मैं एकदम अर्ली मॉर्निंग को निकल रहा हूँ तिनसुकिया की ओर। हेल्थ इज वेल है कि नहीं, कभी हेल्थ को लेके कभी मजाक नहीं करना है कि नहीं गाइस। हमारा जो तेजू जनरल हॉस्पिटल में तो मैंने बहुत बार दिखाया लेकिन कुछ भी रिपोर्ट नहीं निकलता है, सब नॉर्मल ही निकल रहा है, लेकिन पेन क्यों हो रहा है ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो इसी का चलते अभी भी बस मैंने डिसाइड किया कि तिनसुकिया पे एक RC अग्रवाल मेमोरियल हॉस्पिटल बोल के है, ये मकुम रोड पे है, तो वहाँ पे हार्ट का स्पेशलिस्ट है बोल के बोला है। तो इसी तरह पेन होते रहेगा तो थोड़ा तकलीफ होगा है कि नहीं, इसलिए हेल्थ को लेके कभी मजाक नहीं करना है। इसलिए गाइस मैं इस वक्त तिनसुकिया अकेला निकल रहा हूँ। वैसे तो आप सभी जानते ही है कि नहीं, हमारा तेजू पे एक बहुत बड़ा एक जनरल हॉस्पिटल है बोल के हम सबके लिए बहुत ही सुविधा होगा बोल के हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं, बट नॉट द लीस्ट ऐसा है कि इतना बड़ा जनरल हॉस्पिटल होते हुए भी वहाँ पे कुछ भी इक्विपमेंट्स नहीं है, कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी मशीनों सब नहीं है। लेकिन जनरल हॉस्पिटल हो के भी ग्राउंड रियलिटी पे कुछ है नहीं तो फिर क्या फायदा है कि नहीं। थोड़ा के लिए हम लोग तेजू से तिनसुकिया डिब्रूगढ़ भागना पड़ता है, थोड़ा बीमार के लिए भी हम लोग तिनसुकिया डिब्रूगढ़ भागना पड़ता है। हम लोग जैसे गरीब फैमिली के लिए तो बहुत तकलीफ होता है कि नहीं, क्योंकि हर समय हम लोग एफोर्ड नहीं कर सकते है कि नहीं, बहुत ही तकलीफ मिलता है, तो बहुत कष्ट करके जाना पड़ता है। क्योंकि तेजू पे सब चीज होगा तो हम लोग ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे बिना रुपया पैसा में भी हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पर यहाँ से तेजू पे हम लोग दिखाएगा तो रिफर कर देता है, यहाँ नहीं होगा, आप डिब्रूगढ़ तिनसुकिया जाना पड़ेगा ऐसा बोलता है। तो हम लोग जैसे गरीब फैमिली के बहुत ही तकलीफ मिलता है क्योंकि हर एक रुपया हम लोग पाई पाई हिसाब करके जाना पड़ता है कि नहीं। जो रुपया वाला पैसा वाला अलग बात है, लेकिन हम लोग जैसे जो गरीब फैमिली से जो बिलोंग करता है ये हम लोग के लिए बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि वी हैव नो मनी। हर दिन हम लोग तिनसुकिया डिब्रूगढ़ नहीं भाग सकता क्योंकि वहाँ पे लगता है गाड़ी भाड़ा लगता है, फिर खाना पीना, वहाँ पे होटल बैठना, ये सब एफोर्ड करने के लिए हम लोग का 5 रुपया नहीं है यार गाइस। तो वो मैं आशा करता हूँ कि गाइस हमारा जो तेजू कॉन्टिजेंसी का जो विधायक है, जो भी जितने भी स्टेट गवर्नमेंट जितने भी डिस्ट्रिक्ट के जो इंचार्ज है, आप सभी से बस ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज होप कि हमारा जो जनरल हॉस्पिटल में जितने भी इक्विपमेंट्स है, जो भी फैसिलिटी चाहिए, वो से जल्द ही थोड़ा लाने से ठीक है, क्योंकि हमारा तेजू के लिए सुविधा हो सके और पूरा जितने भी हमारा नेबर जो डिस्ट्रिक्ट है अंजाव नामसाई रोइंग सबके लिए हम लोग सुविधा हो सके। तो आप लोग से बस आशा करता हूँ, होप करता है कि वहाँ रिपोर्ट अच्छा निकले। तो निकलते गाइस। तो सबसे पहले गाड़ी को बैग कर लेते हैं और कितना बैग होगा यार, जिंदगी में पूरा बैग ही खा रहा है। तो गाइस कुछ लोगों का कहना है कि अकेला बहुत बोरिंग होता है बोल के, पर मुझे तो ऐसे नहीं लगता है कि अकेला बोरिंग है बोल के। इतना दूर मैं अकेला जा रहा हूँ तो अभी तक भी ऐसा बोरिंग वाला फील नहीं हो रहा है। आप लोग का थिंकिंग के हिसाब से होता होगा गाइस, आप लोग जब अकेला बैठना शुरू कर देगा ना गाइस, बहुत मजा लगने लगेगा आपको। जैसे कि मैं वैसे तो किसी दोस्त को ले जाना था, है कि नहीं गाइस, दोस्त या तो भाई बहन जिसको भी ले जाना था, पर ऐसे नहीं है क्योंकि मैं सेल्फ लव करता हूँ, सेल्फ केयर करता हूँ, इसी कारण पे मैं अकेला सर्वाइव करने के लिए कोशिश करता हूँ। तो वही मैं इतना दूर तेजू से तिनसुकिया तक का सफर मैं अकेला जर्नी करके जा रहा हूँ, वो भी मेडिकल पर्पज के लिए मैं जा रहा हूँ, फिर भी मैं अकेला जा रहा हूँ। बोलो क्यों? क्योंकि मैं खुद को पसंद करता हूँ गाइस। गाइस अनफॉर्चुनेटली मेरा जो कॉर्नर ब्रो आप सभी जानते हो है कि नहीं गाइस, तो कॉर्नर ब्रो का गाड़ी एक्सीडेंट हो गया ब्रो। क्या सुबह में हो गया दोस्त? अभी थोड़ा पहले ना। अच्छा अच्छा, तो अनफॉर्चुनेटली अर्ली मॉर्निंग पे ब्रो का कॉर्नर ब्रो का गाड़ी एक्सीडेंट हो गया उल्टे पड़ा है। तो दोस्त क्या नाम से ही मिल जाएगा ना आप लोग ना? पूरी थर्डिंग में
टर्निंग के सामने हम लोग दूसरा गाड़ी है ना, दूसरा गाड़ी है ना, उसके स्पेयर टायर लेके आए। अच्छा अच्छा, परफॉर्म था क्या कल में? परफॉर्मेंस नहीं था वैसे, मंडे है थोड़ा सा रिलैक्स करने। अच्छा अच्छा, रिलैक्स करने निकला है ना, कोई नहीं गाइस, आदमी को तो कुछ कुछ नहीं हुआ ना, कुछ किसी को कुछ नहीं हुआ। तब तो बहुत अच्छा बात है। गाड़ी तो गाड़ी में बस चोट लगा है, टायर दोनों पंचर हो गए मतलब। अच्छा अच्छा, एक को तो चेंज कर लिया, एक को लेके आया। कोई नहीं, लास्ट टाइम भी वही जगह पे मेरा एक भैया का एक्सीडेंट हुआ था, वही सेम प्लेस, वही जगह में। हाँ वही जगह पे। चलो कोई नहीं, थैंक यू थैंक यू। अरे कोई नहीं, आप है तो हम है। ऐसे में साथ नहीं देगा, कैसे में साथ देगा ना। चलो कोई नहीं, आराम से जाइए। ठीक करना, हाँ सो जाइए, रोइंग जाएगा फिर हम लोग थोड़ा देर में रोइंग बनाने का। ठीक 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 है ना, ओके ओके, थैंक यू। ओके ओके, तो गाइस कर्नर आप सभी जानते होगा, कर्नर मेगा को इंडियन आइडल पे अपना नाम दर्ज कर चुका है। हमारा जो विश्व समाज का एक जाने माने एक सिंगर है, एक रिस्पेक्टेड पर्सन है, तो उन लोग का क्या है कि कल रात में नहीं, जस्ट थोड़ा पहले, वन आवर पहले, ये जो दंगलत के सामने पे एक्सीडेंट हो गया था, तो उन लोग को लिफ्ट लेके आया मैं। नाम से कोई आ रहा है शायद, उन लोग का स्पायर जो टायर है वो फट गया लगता है, तो टायर वो सब चेंज करके बोल के बोला है। वही आप लोग भी धीरे से चलाइए, सेफ रहिए और तंदुरुस्त रहिए, और कोई नहीं है नहीं, आप लोग भी इसी तरह आदमी को मदद करते रहिए। मैं पहुंच गया इस वक्त इगारो, देख सकते हैं गाइस यहाँ पे पूरा पहले तो लाइक अच्छा खासा गाची हुआ करता था कथा। जब से पुष्पा मूवी रिलीज हुआ है तो पूरा यहाँ पे जितने भी कथा जो बगान है, कथा जो गाची है, सब जितने भी पुष्पा लोग है सब काट के खत्म कर दिया। देख सकते हैं गाइस, पहले बहुत ही सुंदर दिखाई देता था गाइस, यहाँ का व्यू, यहाँ का जो नेचर है, यहाँ एनवायरनमेंट अलग ही था। अभी तो क्या बोलेगा गाइस, घास गचे है नहीं गाइस, ना भी यहाँ पे काथा गाची था हुआ करता था, अभी का समय में है नहीं गाइस, पूरा खत्म हो गया है। तो देख सकते हैं गाइस मेरा पहुंच चुका है, दोस्तों अभी मैं दीरा क्रॉस हो चुका हूँ, अभी मैं इस वक्त आसाम इंटर हो चुका हूँ, अभी आसाम पे हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत ही खराब से भयानक बारिश दे रहा है, आगे देख सकते हैं गाइस, और गाड़ी भी ढस पीछे भाग रहा है यार। तो गाइस अभी इस वक्त आरसी मेमोरियल हॉस्पिटल में पहुंच चुका हूँ, अभी शायद बांधने लगता है क्योंकि हम लोग 7% में पहुंच चुके हैं, इस वक्त काफ़ी जल्दी पहुंच चुके हैं। अभी देखते हैं यहाँ पे कोई अटेंडेंट है क्या, पहले गाड़ी पार्क कर लेते हैं। गाड़ी मैंने पार्क कर लिया ये बाहर पे, देख लेते हैं कि साइड पर ठीक है कि नहीं है। प्लीज़ गाइस प्रे कर देना कि मेरा नॉर्मल ही हो, चेस्ट पेन कुछ इफेक्ट नहीं होने से ठीक था गाइस। मैडो क्या अपॉइंटमेंट टोकन नहीं आया है, कब आएगा? अभी आएगा ना। तो गाइस काफ़ी सुबह हम लोग पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे कोई भी स्टाफ यहाँ पे नहीं है, तो मैडो को पूछा है तो बोला है कि 10 बजे करीब में आएगा उसको बोला, तो हम लोग को 2 घंटा कुछ रुकना पड़ेगा। तो गाइस आप सभी प्लीज़ कमेंट करके बताना कि जिन्हें भी तिनसुकिया से जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, तिनसुकिया पे ऐसे कहीं ऐसे घूमने का जगह है तो प्लेस का नाम प्लीज मेंशन कीजिए, ताकि मैं आने वाला कल जब मैं एकदम तंदुरुस्त हो जाऊंगा तो मैं दोबारा ऐसे घूमने आऊंगा, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना तिनसुकिया पे ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पे हम लोग घूम सके। डॉक्टर कब तक आएगा भैया? 10 बजे तक फॉर्म फिलअप कर लेंगे ना, पूरा फुल ना, पेन है मेरे पास 400 ना, चेकअप करा देगा होगा। तो गाइस हम लोग ने अपॉइंटमेंट लिया, तो डॉक्टर आने के लिए और 1 आवर एग्जैक्ट बाकी है, तो तब तक के लिए रोज सात तरफ ऐसे चल के अकेला वहाँ बैठ के बोरिंग चक्कर लग गया।
सच्ची में अकेला बोरिंग होता था, जब आ जाने के बाद बोरिंग होता है। ड्यूरिंग ड्राइविंग का दौरान में तो इतना बोरिंग नहीं लगता था, बट यहाँ पहुँचने के बाद बहुत बोरिंग वाला फील हो रहा है गाइस। भाई पानी होगा लीजिए ना, एक लीटर का दे दो, एक्सपायरी तो नहीं है ना, थिनर इसका 20। काजू पैकेट लाने अंकल, काजू पैकेट 250 ग्राम का कितना है उसका? 240, उससे छोटा था नहीं है। और इसका ये तो 400 ना, वो दे दो, तो वो 100 रुपये दे दो, कितना हो जाएगा? क्या क्या है आपका? एक पानी, पानी जो था एक का, हाँ एक बस, एक लीटर का। आइसक्रीम ले ले, चॉइस करता हूँ मैं। हाँ ये एक तो ले जाएगा, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा कोका? हो गया ना। तो गाइस हम लोग हमने दुकान से पानी और काजू खरीदा है वहाँ पे टाइम पास करवाने के लिए। सुबह में ब्रेकफास्ट कुछ भी करके नहीं आया, तो अभी बस दुकान से ये थोड़ा पानी और काजू थोड़ा लेके आए, अभी वहाँ पे टाइम पास करना पड़ेगा लगता है गाइस। किसको कॉल करने के लिए भी किसी का नंबर भी नहीं है, और कोई किसी को किसी के साथ बात करने वाला आदमी भी नहीं है, कोई हमसे बात करने वाला आदमी भी नहीं है गाइस। आप लोग में से कोई फ्री है तो आप लोग का नंबर मुझे सेंड कर देना, ताकि मैं 24x7 आप सभी का साथ मैं बात कर सकूं। बोरिंग है गाइस, सिंगल लाइफ बहुत कठिन है गाइस, बहुत तकलीफ है सिंगल लाइफ। और देख सकते हैं गाइस अभी ट्रेन पास होते हुए गाइस। ये तो पूरा पेट्रोल डीजल बुखार हो गया गाइस। खत्म ही नहीं हो रहा था गाइस। क्या क्या बुखार हो रहा गाइस, पानी तो नहीं होना चाहिए, पेट्रोल या तो डीजल कुछ बुखार होना चाहिए। ये डिफेंस का है जैसा लग रहा है, ऐसे सिविल के लिए तो नहीं, सिविल के लिए तो नहीं लग रहा है। ये पूरा उसका कलर तो देखे तो पूरा डिफेंस का है जैसा लग रहा है, डिफेंस के लिए ये पेट्रोल डीजल वो सब बुखार लग रहा है। वो अंकल बैठा हुआ है, बढ़िया से बैठा हुआ पीछे में ना, उन लोगों को टाटा किया है, इतना बढ़िया से रिस्पांस दिया है। चलो कोई नहीं, अभी थोड़ा काजू वो सब थोड़ा खा लेते हैं। डायरेक्ट मेडिकल का कंपाउंड में खाने के लिए थोड़ा मजा नहीं लगता ना, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे पेशेंट मौजूद है ना, तो उन लोगों का सामने में फिर खाने के लिए फिर अलग से भी अजीब सा फील होता है, तो खाने के लिए भी मुँह में खाने भी नहीं सकेगा जैसे लगता है। इसलिए हम लोग हम आया हुआ है गाड़ी के अंदर पे, ये गाड़ी के अंदर पे थोड़ा 4-5 टुक गुटी खा के फिर रवाना हो जाएंगे ऑक्सरिज। तीन चार बार मैं जगह कर सकता हूँ, तो नंबर आई सर तो मुझे तो मुझे याते कॉल करते जिसको क्या दोस्ते हम लोग कोई ऐसे कि RC मेडिकल तो बाल आ हार्ट एक तो ऐसे अभी तो जागरण क्या कितना साल हो गया था सर? 2 साल इधर जागुन और ये किसी के कितने किलोमीटर है? 50 और 40 है ना, मैं टेल यू तो 300 सुबह आई से ना 5 बजे मैं दौड़ते हैं जैसे, तो यहाँ पे 8 बजे 7:30 पे मैं पहुँचे थे। स्वस्थ
ट्रेन आ गया। डॉक्टर का कहना है कि तीन थे हमको टेस्ट करना पड़ेगा, एक तो ECG एंड देन बाकी और दो क्या बोला वो हमें एग्जैक्ट याद नहीं अभी। यूट्यूबर सर? यूट्यूबर जस्ट बिगिनर सर। आराम से पाओ, लहला। हाँ बाकी टेस्ट का तो पता नहीं सर, ये यार तो लाइफ टाइम रहेगा सर। सो दिस विल टेल यू अबाउट फ्यूचर। सो बेसिकली दिस इज अ टेस्ट डन टू सी रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड जैसे आप चलते हैं ना, हार्ट रेट बढ़ता है, वंस द हार्ट रेट इज इंक्रीजिंग द डिमांड इज आल्सो इंक्रीजिंग। सो देयर इज एनी सप्लाई अबाउंड, जैसे सप्लाई की हार्ट रेट इज सप्लाई ब्रेक होता है, अगर उसमें कुछ ब्लॉकेजेस है तो इसमें देयर विल बी अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। और कितना मिनट चलना पड़ेगा? तुम कितना मिनट चल सकते हो? अगर तुम प्रॉब्लम बढ़ा तो बताओ। नहीं प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ओके सर, क्या क्या टेस्ट किया हमको एग्जैक्ट भूल गया, बस ECG याद है एंड देन EMD। दिस वन इज EMD ट्रेडमिल टेस्ट, फुल लगा ट्रेडमिल टेस्ट ना। अच्छा EMD वाला सही होगा। तो गाइस सब टेस्ट कर चुके हैं और बहुत ही अच्छा दोस्त मिला है मैंने यहाँ पे। दोस्त का गुड नेम शुभम कुमार पासवान, बिहारी ना मत है तने। मेरा नॉर्मल है ना, नहीं है थोड़ा आपके हिसाब से नॉर्मल, एकदम बढ़िया। क्यों दर्द दे रहा है वो? चेस्ट पेन जहाँ हल्का हम लोग का कभी कभी होता है, मस्कुलर पेन भी होता है, मस्कुलर पेन भी हो सकता है। ठीक फोर इयर्स से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। और ये आपका कभी कभी होता है कि आजकल का जमाना नहीं बोल सकता है, लेकिन हम लोग अभी जैसे बोलते हैं 40 इयर्स के बाद ही हार्ट अटैक हो सकता है, अगर हार्ट अटैक बीच में नहीं होता ठीक है। लेकिन आजकल का जो इतना जो हम लोग का खाना वाना मिलावट है ना, वो कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब हो भी सकता है। तो ठीक है, तुम टेस्ट वगैरह सब कर लिया, सब कुछ नॉर्मल ही है, ब्रेकअप का कारण से तो नहीं होना, हो भी सकता है। जितना टेस्ट करना था, चेकअप करना था, वो कर लिया। अभी बस रिपोर्ट का इंतजार है, रिपोर्ट क्या होगा वो एग्जैक्ट पता नहीं, अभी डॉक्टर फिर दोबारा आके रिपोर्ट बताएगा होगा। तब तक के लिए यहाँ पे पैदल मार्च करके, फुट मार्च करके कई रेस्टोरेंट ढूंढते हैं कुछ खाने पीने के लिए, यहाँ में होगा कि नहीं होगा। वैसे तो सब नॉर्मल जैसे बोला है जो वहाँ पे जो काम करने वाला जो लड़का है, पर हार्ट क्यों पेन हो रहा है वो एग्जैक्ट अभी तक मालूम नहीं है, मतलब क्या वजह से हमको पेन हो रहा है, क्या कारण से हमको पेन हो रहा है पता नहीं यार। ऐसा तो नहीं है कि जितने भी रिलेटिव से सब धोखा दे के दर्द तो नहीं दे रहे, ऐसा भी हो सकता है। आजकल के समय में पूरा जितने भी भाई बंधु है, जितने भी रिलेटिव से बहुत धोखा देता है, तो इसी कारण पे मेरा हार्ट ज्यादा धोखा खा के पेन हो रहा है, जैसे भी लग रहा है। बाद में देखा जाएगा रिपोर्ट क्या होता है। हजारों का तालाब में हम इस वक्त रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं गाइस, खाना खाने के लिए। मैं मार्केट नहीं जाएगा, ये अगल बगल पे ढूंढ लेते हैं गाइस, यहाँ में कहीं पे रेस्टोरेंट है कि नहीं। लेट्स सी गाइस। ओके यहाँ पर रेस्टोरेंट ऐसे है कहाँ में गाड़ी है ना, व्हाइट वाला ऊपर। हाँ क्या क्या मिलेगा खाने के लिए? है खाने के लिए है। कौन सा? ये आगे है ना, ये आगे तो नहीं है ना, ना। सिर्फ वही एक है, अच्छा बनाता है। ठीक है थैंक यू। हाँ तो गाइस काफ़ी दूर मैंने चढ़ के आ गया है, तो फिर यहाँ पे भाई को पूछा है, तो फिर ये सामने में एक रेस्टोरेंट है बोलते बोला, तो वहाँ जाके आते हैं गाइस। यही पे रेस्टोरेंट पड़ा हुआ गाइस, देख सकते हो ऊपर अर्बन डाइनिंग रेस्टोरेंट। यहाँ पे लगे ना मेनू ना, तो देख सकते हैं पूरा चारों तरफ जितना भी केबिन है यहाँ पे,
बहुत अच्छे से सजाया हुआ है, देख सकते हैं गाइस पूरा चारों तरफ केबिन खाली खाली है, ये साइड भी, ये साइड भी, और मैं अकेला यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ। गाइस जिंदगी में मेरा तेरा पनौती नहीं बना लो गाइस, इतना बड़ा केबिन 10-15 तो यहाँ पे केबिन है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे लोग मौजूद नहीं है, बस हम ही यहाँ में अकेला बैठा हुआ है। अलग से फील लाइक गिल्टी वाला फील होके बैठा हूँ, कोई नहीं गाइस यार, कभी भी ऐसे अकेला नहीं आना है, कहीं जाता है तो प्लीज़ किसी को लेके जाइए ताकि आपको बोरिंग ना लगे और आपको ऐसा गिल्टी फील ना आए। देख सकते गाइस ये है असमिस का ट्रेडिशन, अखोमिया गमसा ऑक्टोपस और नॉट। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ से ये डाइनिंग रेस्टोरेंट का ऊपर से आप सभी देख सकते हैं व्यू किस तरह है, पूरा तार मौजूद है सामने सामने ना, रिक्स है लेकिन। तो गाइस हम लोग अभी यहाँ से खा के निकल जाएंगे अपने घर की ओर, रिपोर्ट वो सब निकाल के डॉक्टर ऐसे नॉर्मल होने से भी कुछ ना कुछ तो दवाई कुछ रिकमेंड करेगा, और तो दवाई वो सब लेके हम लोग निकलेंगे। हम लोग जब आते वक्त तो नमदर से आया था एंड अभी जाते वक्त सदिया होके जाएगा, तो सदिया का हवा भी खा के चला जाएगा। भले ही मैं अकेला आया हुआ हूँ लेकिन भी मज़ा तो लूटना पड़ेगा ना, है कि नहीं, अकेला आया बोल के ऐसे उदास से जाने से आना जाना करने से अच्छा नहीं। तो वन लाइफ है यार, लाइफ इज लाइक ए कॉफी की वन टाइम पासवर्ड, तो एंजॉय एवरी पल एंड एवरी मोमेंट, कभी शिकायत होने नहीं देना है अपने लाइफ को, जहाँ भी जाता है एकदम फ्रीली घूमिए और फ्रीली चलिए। और अभी हमारा चौमिन मोमो आए रहा होगा। तो गाइस हमारा ऑर्डर आ चुका है, कॉफ़ी भी साथ में आ गया है, चाउमीन भी साथ में आ गया, फ्राइज भी साथ में आ गया, क्या करेगा यार गाइस, एकदम कंबाइन करके खा के जाना पड़ेगा, कॉफ़ी पहले आने से तो बेहतर रहना पड़ेगा। तो गाइस हम लोग लंच वो सब कर चुके हैं एंड अभी रिपोर्ट आ गया, वो भी बताया, अभी रिपोर्ट में क्या होगा वो एग्जैक्ट पता नहीं, नॉर्मल ही होना चाहिए। अंकल क्या पेशेंट हार्ट का है ना, पर ड्रग देता है आपको भी? ब्लॉकेज है। तो गाइस हम लोग ने अभी रिपोर्ट भी लेके आ गया, बड़े दुख के साथ आप सभी का सामने कहना पड़ रहा है कि रिपोर्ट कुछ इस तरह निकला हुआ है कि नॉर्मल हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है बोल के बोला है। तो डॉक्टर का कहना है कि ज़्यादा टेंशन लेने से लाइफ ऐसा कुछ हुआ है बोल के बताया, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है लाइफ में, कभी टेंशन नहीं लेना है बोल के बताया है, एंड देन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ बोल के बोला है। हम सोचा था ऐसा कुछ दवाई पानी बहुत ज़्यादा देगा होगा बोल के सोचा था, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये एक ही टेबलेट रिकमेंड किया हुआ है, ये भी ज़्यादा दर्द देने से खाने को बोला है, क्योंकि दर्द तो नहीं दे रहा हमको अभी इस वक्त, सुबह शाम खाने के लिए बोला, बस ये टेबलेट के लिए तेजू से तेजू के आया होगा, इसका बोलेगा यार राम राम। हेलो, हम तो कुछ अलग ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ लाइक कुछ इंजरी फेक हुआ है क्या बोल के हार्ट में, पर ऐसा कुछ भी नहीं है बोल के बोला। एंड जो डॉक्टर था बहुत ही फ्रेंडली था, क्या नाम था, बहुत अच्छा लगा, लेकिन डॉक्टर का नाम ये दिया है उसका कार्ड, डॉक्टर अनिल नंदमुरी, ये आंध्र प्रदेश से बोल के बोला, तो भी फ्रेंकली ऐसे बात किया हम लोग ने फर्स्ट में, हंसी मजाक करके और क्या क्या ऐसे ऐसे पूछा है, कैसे कैसे एडवाइस भी दिया है, बहुत ही अच्छा लगा। एंड जितने भी यहाँ पे आरसी मेडिकल का जितने भी स्टाफ है, डॉक्टर से लेकर स्टाफ, सब लोग एकदम बढ़िया है यार, एकदम अच्छा से ट्रीट करता है, बहुत अच्छा से बिहेव करता है, बहुत अच्छा से पेशेंट को अच्छा से सर्व करता है, बहुत ही अच्छा लगा। तो गाइस आप सभी भी हार्ट का रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग ये इंस्टीट्यूट का सामने ही है, ये मकुम रोड का साइड पे ही है, तो आप लोग आ सकता है आरसी अग्रवाल मेमोरियल हॉस्पिटल पे, यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, डॉक्टर भी एकदम फ्रेंडली है, बढ़िया है, एंड देन जितने भी स्टाफ है सब बढ़िया लगा मुझे। एंड डॉक्टर का कहना है कि मेरा हार्ट जो ब्लैक है बोल के बोला है, रेड कलर नहीं है बोल के बोला, तो डॉक्टर का कहना क्या है कि आपका हार्ट जो ब्लैक है तो आप जब शादी हो जाएगा तब आपका हार्ट लाल होना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा भी होता है क्या वो एग्जैक्ट हमें मालूम नहीं, लेकिन जितना तक मैंने देखा कि वो जब कुछ स्कैन कर रहा था तब समय मैंने अपना हार्ट को देखा था, ब्लैक तो ब्लैक दिखाई दे रहा था, लेकिन डॉक्टर लास्ट में बोला है क्या मजाक से बोला है कि जब आप शादी करेगा, अभी तो बहुत उम्र है बोल के बोला है शादी करने के लिए, तो जब आप शादी करेगा तो आपका हार्ट लाल होना शुरू हो जाएगा, ऐसा क्या खास है जो शादी करने के बाद हमारा दिल हमारा जो हार्ट है वो लाल हो जाता है, प्लीज आप लोग जानता है तो प्लीज कमेंट करके बताना गाइस। एंड एनीवे अभी अकेला है, घूमने भी मजा नहीं लगेगा, इसलिए अभी डायरेक्ट निकल जाएंगे तेजू की ओर, अभी सदिया घाट से होके जाएगा। एंड थैंक यू सो मच, होप यू गाइस आप सभी को अच्छा लगा हो, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ठोक दो यार गाइस।
तो गाइस देख सकते हैं अभी इस वक्त मैं द वन एंड ओनली इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज पे मैं इंटर कर चुका हूँ, सजिया ब्रिज, भूपेन हजारिका सेतु बोल के भी जाना जाता है इसको। तो गाइस अभी इस वक्त मैं पहुंच चुका हूँ सजिया ब्रिज, आप सब देख सकते हैं काफी अच्छा व्यू है क्योंकि बारिश का कारण से एकदम बढ़िया व्यू दिखाई दे रहा है, पूरा चारों तरफ फॉगी फॉगी दिखाई दे रहा है। एंड देन जानता है हमारा सजिया ब्रिज कितना खूबसूरत है, एंड देन इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज भी है और सब देख सकते हैं, नाइस व्यू विद नाइस मी, व्हाट अ नाइस कॉम्बिनेशन गाइस। इसी तरह अगला ब्लॉग पे आप सभी को मिलते हैं, और मेरा बीमार भी अच्छा हो गया से लग रहा है ये सजिया ब्रिज आके यहाँ का नेचर को देख के, यहाँ का खूबसूरती को देख के एकदम तंदुरुस्त हो गया हूँ। तो गाइस मिलते हैं अगला ब्लॉग पे, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इसी तरह बने रहे हमारे साथ अगला वीडियो पे, थैंक यू।